एमपी में मोहन यादव की सरकार बनते ही सियासत गर्मा गई है। मोहन यादव के सीएम कुर्सी पर बैठे हुए अभी बस कुछ दिन हुए हैं, लेकिन मोहन यादव ने सीएम की कुर्सी पर बैठते ही कई बड़े और कड़े फैसले ले लिए हैं, जिस पर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। तो सबसे पहले एमपी के नए नवेले सीएम के फैसले जान लेते हैं। दरअसल एमपी की मोहन सरकार ने पहले कैबिनेट बैठक में तमाम फैसले लिए, जिनमें से एक फैसला धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने और अंडे मांस को खुले में बेचने पर प्रतिबंधित करने का था। वहीं अब मोहन सरकार की पहली कैबिनेट में हुए इन फैसलों पर सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे बिना बात का बहाना बताया, तो इस मामले में बीजेपी का भी पलटवार सामने आया। सीएम मोहन यादव ने पहली कैबिनेट की बैठक ली, जहां इस बैठक में वो फायर मोड में दिखाई दिए। सीएम मोहन ने इस बैठक में धर्म स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाने के साथ ही खुले में बिक रहे अंडे और मांस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही। वहीं मोहन कैबिनेट के इस फैसले पर कमलनाथ का कहना था कि ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ भी करे समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। देखिए, ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ भी करें समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। कल सर संसद में चुप का मामला आया था, इसमें क्या कहना है? संसद में जो चुप हुई है सुरक्षा, ये तो बहुत बड़ी एक लैप्स हुई है, बहुत बड़ी कमी अगर संसद में हुई है और लोग कूद के अंदर चले गए, कोई भी घटना घट सकती थी। चलो, वही कमलनाथ के इस फैसले के बाद मामले में बीजेपी का भी पलटवार सामने आया। मामले में बीजेपी की ओर से कहा गया, ये एमपी सरकार का स्वागत योग्य कदम है, जहां जिसकी मर्जी होती है ठेले लगा देते हैं, इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस को मस्जिद के लाउडस्पीकर से इतनी मोहब्बत है क्या? कहना क्या चाहती है कांग्रेस? क्या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई है? सरकार के हर निर्णय पर उसकी आपत्ति होने लगी है? क्या कांग्रेस से पूछकर फैसले लेंगे? फिलहाल नए नवेले सीएम मोहन यादव के इस फैसले से एमपी में चुनाव के बाद एक बार फिर सियासत गर्माती नजर आ रही है। ऐसे में ये विवाद आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।